साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील प्रदेश की मांग तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी ने 108 साल पुरानी इस मांग को सिर उठाया है। आदिवासी पार्टी के रूप में बीएपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान में बीएपी को 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर जीत मिली है। बीएपी राजस्थान विधानसभा की 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इस प्रदर्शन के दम पर पार्टी भील प्रदेश की मांग उठा रही है। विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर इलाके में पार्टी का वोट प्रतिशत 27 के आसपास रहा। क्या है भील प्रदेश जिसकी आदिवासी पार्टी कर रही है मांग? साल 1913 में पहली बार मानगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और खानाबदोश बंजारा जनजाति के गोविंद गिरी ने अपने 1500 समर्थकों के साथ अलग प्रदेश की मांग रखी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि रिहा होने के बाद गोविंद गिरी के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने मानगढ़ के पास बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसके बाद की पुलिसिया कार्रवाई में कई भील आदिवासी मारे गए थे। तब से भील जनजाति के लोग अपने लिए अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जो वक्त वक्त पर उभर कर सामने आता है। आदिवासी संगठनों का मानना है कि देश भर में भील जनजाति की आबादी करीब 1 करोड़ है, जिनमें ज्यादातर लोग गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आसपास के इलाकों में बसे हैं।